नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये रुक करते हैं खबर की ओर। बिना काम के ना निकले जनता अपने घर से, ग्राम प्रधान लक्ष्मी नारायण तिवारी कानूपुर ने कहा। सुल्तानपुर भीषण गर्मी से इंसान पशु पक्षी सभी परेशान हो रहे हैं। राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर भारत में आसमान से आग बरस रही है। सुबह 9 बजे से इतनी तेज धूप पड़ती है कि लगता है झुलसी जाएंगे। ऐसे में गर्मी से बचना है तो विशेष सावधानी बरते, ग्राम प्रधान लक्ष्मी नारायण तिवारी कानूपुर ने कहा। काम ना पड़ने और अपने घर से ना निकले आम जनमानस, गर्मी इतनी पड़ रही है कि आप और आपके परिवार को बीमार कर सकती है। प्रधान ने कहा, गर्मी से बचने के उपाय खास तौर से खान पान का ख्याल रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गर्मी में कम भोजन लें और जूस मट्ठा दही नींबू पानी समय समय पर पिया करें। प्रधान ने कहा, तेज धूप में निकलने से पहले एक गिलास पानी पी कर निकले, शरीर हाईटेक रहेगा और पानी की कमी नहीं होगी और धूप का असर भी कम होगा। घर के बाहर और बालकनी में पशु पक्षियों के लिए भी खाना जरूर रखें। सर्दी ही नहीं गर्मी से बचने के लिए भी खुद को कवर करके रखें और तेज धूप में सीधे निकलने से बचें। सर को टोपी या किसी दुपट्टे से कवर करके रखें। हेडगियर का इस्तेमाल करें। अगर आप धूप में ज्यादा देर के लिए हैं तो छाता लेकर जाएं और सूती कपड़े पहने। इसी के साथ सभी ग्राम प्रधान को कहा, अपने अपने तालाब में पानी की व्यवस्था करें जिससे पशु पक्षी पीने के लिए व्यवस्था करें। भीषण गर्मी में बच्चे और बुजुर्गों को खास ख्याल रखें। तेज गर्मी में बच्चों को बाहर खेलने के लिए ना भेजें। 11 बजे से 4 बजे तक बच्चों और बुजुर्गों को घर पर ही रहने के लिए कहें। घर में पर्दे लगा कर रखें और हवादार जगह पर बैठें। हरिकेश यादव की रिपोर्ट। प्रधान जी, पूरे प्रदेश में गर्मी का कहर चल रहा है, इससे लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, प्रधान कानपुर। मैं आम जनमानस को यह संदेश देना चाहता हूँ कि बिना मतलब घर से बाहर न निकलें। अगर निकलना है तो सुबह अपना कार्य कर ले अथवा शाम को 5 बजे के बाद ही घर से बाहर निकलें। उसके बाद अपने साथ बोतल में पानी अवश्य रखें और शिकंजी या ठंडे पेय पदार्थ, मट्ठा दही, इनका सबका प्रयोग जरूर करें। जूस का भी प्रयोग कर सकते हैं। भोजन कम से कम मात्रा में लें लेकिन पानी अवश्य ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। यही हमारा संदेश है। खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें नया भारत दर्पण समाचार के साथ।